अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम की जानिब से मैं हूँ फैसल समीर। और इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे सीएसएस लिंक पर कि लिंक को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं नोटपैड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले लिंक और बॉडी में आता हूँ और एचटीएमएल के एक एलिमेंट है लिंक, जो ए से हम उसको वेयर करते हैं और उसके बाद ए इसको मैं क्लोज करता हूँ। स्टार्टिंग लाइन में आ जाऊँगा, इसका एक एट्रीब्यूट्स है हरफ और हरफ लिखूंगा और उसके बाद मैं लिंक एड्रेस दूंगा। मैं हैश लिख रहा हूं क्योंकि मैं किसी और पेज पर नहीं जाना चाहता और उसी पेज पर मैं मीन्स के उसी पेज में इसको लिंक दिया और हैश कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं जो टैक्स शो करूंगा यूज़र को वो होगा गो टू सॉरी इसका लिंक ही लिख दें, लिंक वन, ठीक है जी। तो मैं स्टाइल में आऊँगा और स्टाइल इस मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। तो ये देखें, ये लिंक आ गया, मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बस काफ़ी है और इसको अच्छा जी, मैं स्टाइल में आ गया हूँ और स्टाइल में आने के बाद मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ। ए एलिमेंट को मैंने सेलेक्ट किया है एलिमेंट को और उसके बाद मैं खाली ब्रेस लिखता हूँ और उसके बाद मैं इसकी डिज़ाइनिंग करता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं इसका जो कलर है, डिफ़ॉल्ट इसका ब्लू होता है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। रेड किया मैंने सेमी कॉलम और उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ कि इस पर अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा स्लो है अपने, तो ये इसका कलर जो है वो रेड हो गया है, ठीक है। इसके बाद और इस पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं कि इसके जो टेक्स डेकोरेशन है ना, टेक्स डेकोरेशन नीचे जो आपको नज़र आ रही है, नान करते हैं इसको, ठीक है। अंडरलाइन जो है ना, ये अंडरलाइन डिफ़ॉल्ट होती है, इसको हम नान कर रहे हैं। मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये चली गई है, ठीक है। इसके बाद इसका जो साइज़ है, ठीक, फ़ॉन्ट साइज़ वो काफ़ी छोटा लग रहा है हमें, तो उसको हम बड़ा करते हैं, 30px कर देते हैं भाई, 30px रिफ्रेश करते हैं तो इसका जो है साइज़ वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके बैकग्राउंड कलर जो है ना वो भी तब्दील कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भाई इसका हो जाए भाई पिंक हो जाए, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया, ठीक। इसके बाद जनाब हम जाते हैं, दोबारा नोटपैड में आ गया हूँ और इसके बाद इसको थोड़ा सा दे देता हूँ मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट 20px, ठीक है, 20px। इसको आप देखें, ये थोड़ा सा लेफ्ट से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ठीक है, 20px। इसके बाद इसके एक और प्रॉपर्टीज़ है, ए लिखेंगे आप लिंक, उसके बाद आपने कोना लिखना है और उसके बाद आपने लिखना है हो ओवर, ठीक है, एच ओवर के लिंक के ऊपर जब जाए, ये देखें ना, ये इस पर मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, वैसे इस पर ऊपर ले गया तो इसका कलर मैं कहता हूँ तब्दील हो जाए, जैसे मैं इसके ऊपर ले जाऊँ इसका कलर तब्दील हो जाए, ठीक है। तो उसको कहते हैं एच ओवर और इसके बाद उसके जो कलर मैं कहता हूँ कि कलर इसका हो जाए रेड और इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, नहीं, इसका कलर जो है वो पिंक हो जाए मेरे भाई, पिंक हो जाए और बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हो जाए रेड, ठीक है। मैं इसको जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, क्लिक नहीं करता, ऊपर ले जाता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड और इसका जो फोन कलर है वो पिंक हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप इस पर इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और है एच कॉलम एक्टिव, ठीक है, ये क्या काम करते हैं एक्टिव, इसको हम कहते हैं कलर इसका हो जाए भाई येलो, बैकग्राउंड कलर हो जाए भाई ब्लैक, ठीक है, सेव किया मैंने और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे इसके ऊपर मैं ले जाता हूँ, ये तो इसके ऊपर मैं जैसे ले जाता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर वो रेड है और इसका जो कलर है वो पिंक है, जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है,
क्लिक करूंगा, ये काम नहीं कर रहा, कर रहा है ठीक है। क्लिक जैसे इस पर मैंने किया तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और इसका जो कलर है फोन कलर वो क्या हो गया, येलो हो गया ठीक है। और इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें ना ऊपर यूआरएल में देखें ये दूसरे पेज में चला गया। दूसरे पेज का मतलब कि जो हैश हमने पेज दिया था, हैश वैसे पेज तो कोई नहीं है ना, तो उसी पेज पर भी रहता है लेकिन ये शो करता है ऊपर कि ये दूसरे पेज पर चला गया, लेकिन दूसरा पेज वो नहीं होता। और ये हमें समझाने के लिए कि ये आपका जो हैश आपने दिया था ये उस पर वो कर अमल कर रहा है ठीक है। तो ये था लिंक के बारे में कि लिंक को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप ये तो एक ही मैंने दिया ना लिंक, इसको आप कॉपी करें और पेस्ट करें तो इसको यहां से आकर आप रिफ्रेश करें। हमने तीन कलर तीन दिए, तीन लिंक बनाए और इस तरह हमने उसको डिजाइनिंग की ठीक है। तो आप इसको मज़ीद भी आप खुद प्रैक्टिस करके इसको खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं, मुझसे भी खूबसूरत बना सकते हैं। मैंने तो आपको जस्ट आइडिया देना होता है कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी ये और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं ठीक है, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है। और ये गेम होती सिर्फ प्रैक्टिस की, और आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए और उनकी वैल्यू आनी चाहिए, आप इन पर आसानी से फिर काम कर सकेंगे। इतने के बारे में, और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो डिस्प्ले पर बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी उनसे आप इस्तेफादा कर सकेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग।